बेलगाम की नई एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अफनान अब ये इस बात का इतराफ़ कर देता है कि मैं रमशा से मोहब्बत करता हूं और उसे अपनाना चाहता हूं, क्योंकि हम मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है तो मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता। अलीज़ा मुझे इस बात की इजाज़त देगी, मैं अलीज़ा से खुद बात करूँगा। उसके पापा कहते हैं कि मैं अलीज़ा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। रमशा की शादी तुम्हारे साथ किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ शानी का रिश्ता रमशा के लिए आ जाता है तो रमशा के मामू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन रमशा कहती है कि मैं शानी के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो उसके मामू कहते हैं कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना एतबार किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें ये शादी मजबूरन करनी पड़ेगी और इसमें सबकी बेहतरी है। रमशा भी राजी हो जाती है, उसे मजबूरी में ये शादी करनी पड़ती है। लेकिन अफनान उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम शानी के साथ शादी किस तरह कर सकती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम शानी के साथ शादी नहीं करोगी। तो रमशा कहती है कि आपने तो मुझे धोखा दिया, मुझे उसके साथ तो शादी करनी ही पड़ेगी।